चलिए, तो हमने 24वां चैप्टर देख लिया था श्वसन। अब बात करते हैं 25वें चैप्टर की, उत्सर्जन तंत्र के बारे में। ठीक है, तो शरीर कोशिकाओं से वज्र या विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। किस क्रिया के फलस्वरूप शरीर में एकत्रित जटिल यौगिक का विघटन होता है? अपचय क्रिया का। मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं? बिक, फेफड़ा, त्वचा, यकृत एवं आंत। वेक किस प्रकार के होते हैं? सेम के बीज के आकार के। वेक कहाँ स्थित होते हैं? कशेरुक दंड के दोनों ओर एक एक वृक्क स्थित होता है। वयस्क मनुष्य में बिक का आकार कैसा होता है? प्रत्येक वृक्क 4 से 5 इंच लंबा, 2 इंच चौड़ा और लगभग 1.5 इंच मोटा। ठीक है, बिक का भार लगभग कितना होता है? लगभग 140 ग्राम। बिक का भीतरी अवतल सतह क्या कहलाती है? हाइलम। निस्यंदन की क्रिया कहाँ संपन्न होती? कोशिका गुच्छ में। चयनात्मक निस्यंदन को जिसमें कुछ भाग कुछ पदार्थ छाने जा सकते हैं कुछ नहीं क्या कहलाते हैं? डायलिसिस। छने हुए द्रव्य को क्या कहते हैं? निस्यंद। नेफ्रॉन या वृक्क नालिका में रुधिर से छन कर आए जल का जलवशेष उत्सर्जी पदार्थों को के मिश्रण को क्या कहते हैं? मूत्र। सामान्य मूत्र की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय। एक सामान्य व्यक्ति 24 घंटे में लगभग कितना मूत्र बनता है? याद रखना 1.5 लीटर। इसका पीएच मान क्या होता है? 4.5 से 8.6। मूत्र स्राव की मात्रा के बढ़ जाने को क्या कहते हैं? ड्यूरिसिस। फेफड़ों द्वारा श्वसन उत्सर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड व जल वाष्प का। बात करते हैं मुख्य नलिकाओं के बारे में। केंद्रीय नलिका मेरुरज्जु में शरीर वोस्पाइन द्रव से भरी हुई है। कॉकलियर नलिका स्तनियों के आंतरिककरण के कॉकलिया में मध्य नलिका एंडोलिम्फ द्रव से भरी। संग्रह नलिका मेढक के वेक से मूत्र को लाने वाली नलिका। विडर नलिका मेढक में वृषणों का वेक से जोड़ने वाली नलिका शुक्राणु को लाने का कार्य। इंग्वाइनल नलिका नर स्तनियों में उदर गुहा को वेश्म गुहा से जोड़ने वाली नलिका। लोरल नलिका लीवर फ्लूक में निषेचन हेतु नलिका। हेवरसियन नलिका स्तनियों की लंबी अस्थियों में आयाम नलिकाएं। बोकमैन नलिका स्तनियों की अस्थियों में हेवर सीएन नलिकाओं को जोड़ने वाली अनुप्रस्थ नलिकाएं। फिर वोकमैन नलिका स्तनियों की अस्थियों में हेयर सीन नलिकाओं को जोड़ने वाली हो गई। यूस्टिकियन नलिका कशेरुक प्राणियों के अंतःकरण की नलिकाएं। कशेरुक धमनी नलिकाएं स्तनियों के ग्रीवा कशेरुक में अनुप्रस्थ फेवर्धि के आधार पर स्थित नलिकाएं। आगे बात करते हैं मनुष्य में उत्सर्जी अंग और उनके उनसे उत्सर्जित पदार्थ। वृक्क नाइट्रोजनी पदार्थ। त्वचा श्वेत ग्रंथियों द्वारा पानी, यूरिया, अन्न, लवण। फुसफुस फुफ्फुस CO2। आंत इनकी परत कुछ लवणों का उत्सर्जन करती है। यकृत नाइट्रोजनी पदार्थों को निष्कासन करने में सहायक होती है। एक सामान्य व्यक्ति के मूत्र में कौन कौन से अवयव घटक होते हैं? एक सामान्य व्यक्ति के मूत्र में 96% जल, 2% यूरिया, प्रोटीन वसा शर्करा एवं दूसरे कोलाइड 1.3%, यूरिक अम्ल 0.5 के साथ अत्यल्प मात्रा में क्रिएटिन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम
क्लोरीन, सल्फेट, फॉस्फेट, सीसा, अमोनिया, आर्सेनिक, आयोडीन, नाइट्रोजन आदि पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा उत्सर्जन तंत्र। अब लास्ट चैप्टर रह गया हमारा कंगाल तंत्र के बारे में। ठीक है,